हेलो दोस्तों, बंटी इलेक्ट्रिशियन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लाए माइक्रोटेक स्टेबलाइजर EML 5090। इसके आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, इसकी क्या क्या फीचर्स है और किस तरीके से काम करेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे बारीकी से। बने रहे हमारे चैनल पर, जो भी हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। माइक्रोटेक टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार कंपनी का स्टेबलाइजर है। इसके इन्वर्टर भी आते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। 2 साल इसकी वारंटी है। EML 5090 मॉडल है, देख सकते हो आप। EML 5090 परफेक्ट चॉइस फॉर द मेंस एनर्जी स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, बहुत ही शानदार। अब हम इसको ओपन करेंगे। ट्रांसपोर्ट में बहुत ही गलत तरीके से इनको पटकते हैं तो ये कोने टूट रहे हैं, कोई पेपर बढ़िया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नया है। ये आप देख सकते हो, इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट पे माल आता है। ये 2023 का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, बिल्कुल नया लेटेस्ट। बाकी अब इसकी कंडीशन देख लीजिए आप, ये ट्रांसपोर्ट पे पटकते तो ऐसे डैमेज हो जाता है ऑटो। और आप ऊपर भी देख सकते हो, जैसे कोई 5-6 महीने पुराना प्रोडक्ट हो, इस तरीके से कंडीशन इस कार्टून की हो रही है। फिर भी कंपनी वाले काफी सेफ्टी के साथ इसमें पैक करके भेजते हैं ताकि अंदर इसमें कोई डैमेज हो कोई चीज। देख सकते हो आप, बिल्कुल थर्माकोल के गत्ते लगा के साइडों में बढ़िया पैकिंग पॉलिथीन उसमें। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। कहीं में तो ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये भी थर्माकोल भी टूट चुका है इसका, इतना डैमेज हो चुका है। मतलब आटो लुटा उठा के पटक के ट्रांसपोर्ट में कंपनी काफी सेफ्टी के साथ इसको पैक करके बेचती है ताकि इन्वेंटरी बॉडी इसका असर ना हो। और काफी हैवी स्टेबलाइजर है, 5 किलोवाट का पूरा घर का लोड इससे चला सकते हो। इसका वारंटी कार्ड है, 2 साल की इसमें वारंटी आती है और होम डिलीवरी सर्विस। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए टोल फ्री नंबर पे कॉल करो और कंपनी का कस्टम इंजीनियर घर पे आएगा चेक करने। और ये इसके सीरियल नंबर है, इसके थ्रू से इसकी मान्यता होती है, बिल और वारंटी कार्ड। और बहुत ही अच्छा लुक इसका शानदार है। इसमें एक MCB दी हुई है 32 एम्पीयर की, कोई भी शॉर्ट सर्किट हो इसको चालू करने के लिए इसमें MCB लगी हुई है। और इसमें यहाँ पर जो वायर लगेंगे आउटपुट और इनपुट के, वो मैं आपको खोल के इसको दिखा देता हूँ। इसमें आपके वायर लगेंगे, काफी हैवी बोल्ट दिए हुए इसमें, तो आपको जो इनपुट के वायर है वो आपको इस साइड पे लगाना है, जो दोनों लाइन के आते हैं आपके न्यूट्रल और फेस। और आपको जो आउटपुट लेना है वो आप इस साइड पे लगाना है आपको। इस पे भी लिखा हुआ है, इसके जो बॉक्स का ढक्कन है, AC इनपुट, न्यूट्रल और लाइट का इस साइड लगाना है, और AC आउटपुट जो आप देना है और न्यूट्रल और लाइट का। अगर आपके घर में अर्थिंग लगा हुआ है तो आप अर्थिंग का ये जो बीच में एक छोटा सा बोल्ट दिया हुआ है, आप इस पर एक वायर लगा सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आप अर्थिंग दे सकते हो तो आपके इसके में करंट भी नहीं आएगा। और काफ़ी हैवी इन्वर्टर है, इसमें आगे की साइड में भी एक MCB दी हुई है जिसको चालू करने के लिए। और ये प्रेस का बटन है, इसको दबाने पे आपको इनपुट वोल्टेज होते हैं जो तो डायरेक्ट शो करेंगे, और आपको आउटपुट चेक करना है तो आप इसको दबाए रखिए तो आपको आउटपुट वोल्टेज बता देगा। बहुत ही शानदार
स्टेबलाइजर है 5 kW का, तो हम आपको इसको चालू करके भी दिखाएंगे। हम इसको अभी चालू करने के लिए केवल चेक करने के लिए वायर लगाने, बाकी इसमें आपको हैवी वायर लगा के ही चलाना है। जब भी आप इसमें लगाओ मेन लाइन के वायरिंग लगाना है आपको इसमें, और ध्यान रहे न्यूट्रल फेस का, जिस तरफ आप न्यूट्रल लॉक फेस इसमें दे रखा है उसी तरीके से आप लगाएं इसमें। और अगर अर्थिंग भी लगाओ तो आप अर्थिंग भी जरूर लगाइए। इस तरीके से हमने इसके वायर लगा दी, अब हम इसको चालू करेंगे। हमने लाइट के पिन लगा दिए, इसकी डिस्प्ले आ गई, ये 10 सेकंड के बाद इसको चालू हो गए। ये देख लो इसमें उल्टी गिनती चलती है, ये इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं हमारे यहाँ 199। और अब इसको प्रेस करने पर आपको ये आउटपुट वोल्टेज बताएगा, इसको दबा रखिए तो 244-245 वोल्टेज ये बता रहा है आउटपुट। बहुत ही शानदार और हेवी स्टेबलाइजर है, बहुत ही शानदार। आप इसमें पूरा घर का लोड चला सकते हो, कूलर पंखे फ्रिज वगैरह मोटे की मशीन वगैरह सब आप इसमें चला सकते हो। इसमें आप पूरा घर का लोड चला सकते हो, कूलर फ्रिज पंखे। अगर आप एसी में भी एसी के लिए स्टेबलाइजर दूसरा आता है, हालांकि आप इसमें भी चला सकते हो। और कुटी काटने की मशीन अगर गांव में आपके लग रहा है, या 1 HP की मोटर है तो वो भी आप इसमें चला सकते हो। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।